मध्य प्रदेश के रीवा में एक ट्रेनी प्लेन पहले एक पेड़ से टकराया और उसके बाद मंदिर के शिखर से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। रीवा में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई जबकि दूसरा ट्रेनी पायलट गंभीर है। बताते हैं अंधेरे में पहले प्लेन एक पेड़ से फिर उसके बाद मंदिर के शिखर से टकराकर क्रैश हो गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण कोहरा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। चुरहटा जो रीवा में हवाई पट्टी है वहां पर जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति था, जो हवाई ट्रेनिंग चल रही थी, तो कोहरे के कारण से विमान मंदिर के गुम्बद से टकरा के तारों पर झूलकर क्रैश हुआ है। इसमें जो पायलट मृतक है वो बिमल कुमार है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इनके कारणों के लिए जांच का आदेश दिया है। ये हादसा रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में हुआ। रीवा हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर में फॉल्कन एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग देती है। रात 11:30 बजे पायलट कैप्टन विमल कुमार बिहार के पटना के रहने वाले छात्र सोनू यादव को ट्रेनिंग दे रहे थे, तभी उनका प्लेन मंदिर से जा टकराया। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ, प्लेन का मलबा चारों ओर बिखर गया। इस इलाके में घरों में सो रहे लोग दहशत में बाहर निकल आए। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि फॉल्कन एविएशन एकेडमी का प्लेन में 2 लोग सवार थे जिनमें ट्रेनिंग दे रहे पायलट की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति घायल है जिनको मेडिकल कॉलेज रीवा में भर्ती कराया गया है। फॉल्कन ट्रेनिंग एकेडमी का जो प्लेन है कल रात को 11:30 पौने 12 के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें 2 लोग सवार थे। इसमें ट्रेनिंग देने वाले जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई है और दूसरे व्यक्ति का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, और अभी पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगा के सिक्योर कर लिया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।